देखो बच्चों आज हम सीखेंगे कि जो बाइसिकल होता है उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे काम करता है। देखो बच्चों जब आप बाइसिकल चलाते हो पैडल लगाते हो तो वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? जब कोई मशीन वर्क करती है या कोई मैकेनिकल डिवाइस वर्क करती है, कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है, मतलब मशीन के द्वारा कोई काम होता है, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली जो पैडल है उसको हम अपनी एक मशीन मान सकते हैं बच्चों, तो वो एक मैकेनिकल एनर्जी है जो कनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहिया घूमता है, उसके बाद कुछ वेलोसिटी होगा, तो उस वेलोसिटी का बच्चे हम अपनी कनेटिक एनर्जी हाथ में देख पाए। अब आप सोचो कि ये जो कनेटिक एनर्जी थी कहाँ चली गई? कहने की बात है एनर्जी कंजर्व है, ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। बच्चे जो कनेटिक एनर्जी थी ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कैसे? बच्चे देखो जब पहिया घूमता है तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या बच्चों? फ्रिक्शन एक फोर्स है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे हाथ को रगड़ो तो हाथ गर्म हो जाएगा, हीट उत्पन्न होगी ना बच्चों। तो जो हम जो कार कर रहे हैं वो हीट के रूप में उत्पन्न हो रहा है। ठीक बच्चों, जब पहिया घूमता है तो जो कार होता है वो सड़क और पहिए के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शन एनर्जी के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। बच्चों का देखो बाइसिकल में तो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जो मैकेनिकल एनर्जी थी कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और फिर कनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के द्वारा हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल गई। तो बच्चों देखो वही एनर्जी बार बार जो है कन्वर्ट होती रहती है, तो ना तो एनर्जी उत्पन्न हुई और ना एनर्जी नष्ट हुई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देखो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ बाइसिकल में आपका काम कर रहा है। बच्चों जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, हमने एक सवाल भी लगाया था बच्चों, ऐसे बहुत सारे आपका एनसीईआरटी का सवाल है, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन बाइसिकल। तो बच्चों देखो हम कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप एक फिगर बनाओगे, क्या लिखोगे कि जब कोई बॉय कम साइकिल को दौड़ाता है तो मैकेनिकल एनर्जी जो कि मशीन घुमाता है, और वही मैकेनिकल एनर्जी कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू वेलोसिटी कारण। और बच्चों फिर जब पहिया सड़क पे टच में आता है तो फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों।